नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। आपको जानकारी दे दें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर तोशाखाना मामले में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पीटीआई अध्यक्ष को गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस उनके घर पहुंची, हालांकि इमरान खान अपने घर पर ही नहीं मिले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के पहुंचने के बाद पार्टी के सभी सदस्यों को लाहौर में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के घर पर तुरंत इकट्ठा होने के लिए कहा। उनके घर के बाहर समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। कुछ दिनों पहले एक सत्र अदालत ने तोशखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, क्योंकि वे अदालत में पेश नहीं हुए थे। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि सभी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए पीटीआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का कोई भी प्रयास स्थिति को गंभीर रूप से खराब कर देगा। उन्होंने कहा कि मैं इस अक्षम और पाकिस्तान विरोधी सरकार को चेतावनी देता हूं कि पाकिस्तान को और संकट में ना डालें और समझदारी से काम लें। इमरान खान पर अवैध रूप से तोशखाना यानी कि स्टेट डिपॉजिटरी से प्राप्त उपहारों को बेचने का आरोप लगाया गया था। उन्हें पिछले हफ्ते के मामले की सुनवाई के लिए पेश होना था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। उनके वकीलों ने कहा था कि वारंट रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। अरेस्ट वारंट में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को हिरासत में लिए जाने के बाद यहां पर 7 मार्च तक अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि इस्लामाबाद के महानिरीक्षक ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक आदेश जारी किया है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन जानकारी दे दे कि वो अब फरार बताए जा रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद के आईजी ने क्या कहा, वो कहते हैं कि पुलिस टीम पूर्व इमरान खान को गिरफ्तार करने के बाद ही वापस आएगी। अदालत के आदेश को तामील कराने में व्यवधान ना डाले, इमरान खान गिरफ्तारी दे। और वहीं दूसरी तरफ राणा सनाउल्ला ने जो बातें कही वो तो चौंका देने वाली है। उन्होंने कहा कि सजा के खौफ से गिरफ्तारी से बच रहे हैं इमरान खान और वो बुजदिल हैं, और जिस तरीके से पुलिस बल को हाई अलर्ट पर रखा गया ये सब चौंका देने वाला है। लेकिन इमरान खान को रावलपिंडी की जेल में रखा जाएगा, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। अब देखते हैं पाकिस्तान में और क्या सियासी भूचाल आते हैं खान की गिरफ्तारी को लेकर। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।